हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आप कौन कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं और जिनको मैं भी पर्सनल यूज़ करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको मैथ्स और इंग्लिश आपके अच्छे होने चाहिए। तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले मैंने ये शारदा की बुक है, इसी से मैंने पढ़ना शुरू किया था। ये शारदा की बुक है, ये काफ़ी बेकार हो गई अब इसकी स्थिति। पहले मैं इसी से पढ़ता था और अभी मैंने फिर उसके बाद मैंने ये किरण की बुक ली थी एसएससी के लिए और अभी ये ऑलमोस्ट मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी उसके बाद मैंने ये अभी ऑनलाइन मंगाई हैं, भारती कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ये पांच बुक्स हैं इनकी, भारती कंसेप्ट की पांचों ही बुक्स के लिए आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही आपके अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो लगता है, हालांकि है नहीं, वो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सबसे पहले जो इंग्लिश के लिए सबसे पहली बुक है नीतू मैम की फर्स्ट वॉल्यूम, जो सभी यूज़ करते हैं ग्रामर के लिए। दोनों ही अच्छी बुक हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। तो अगर आपको ग्रामर करनी है तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। मैं भी इन्हीं से ही अपनी तैयारी करता हूँ। और अगर आपको वोकैब करनी है तो वोकैब के लिए ये क्रिस्टोफर फोनिक्स सर की बुक है BMW, तो इसे ले सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आपकी वोकैब पोर्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो और ये पहले मैं इसको यूज़ करता था जर्नल इंग्लिश, ये ल्यूशेंट की बुक है। मैंने इतनी खास पढ़ी भी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं। फिर मैंने नीतू मैम और क्रिस्टोफर सर से पढ़ रहा हूँ मैं अभी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए कोई पार्टिकुलर बुक नहीं है। उसके लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, ये ल्यूशेंट की बुक है सबसे पहले। लेकिन मैंने सबसे पहले जो बुक ली थी वो ये थी, श्री कृष्ण पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, राम सिंह यादव की बुक। और ये मैंने पूरी अच्छे से पढ़ी है। कोई भी बुक ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि यही बुक आपको लेनी है, आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और फिर मैंने इसके बाद ये पढ़ी थी ल्यूशेंट की, तो ये भी अच्छी बुक है, दोनों ही अच्छी बुक है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट जीके के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो है वो है ल्यूशेंट। आप ल्यूशेंट से पढ़ सकते हो, ल्यूशेंट को ये सभी स्टूडेंट्स के पास ये बुक होती है, सभी इसी से ही पढ़ते हैं, मैं भी इसी से ही पढ़ता हूँ। ये मैंने काफ़ी कई बार पढ़ लिए लेकिन मेरा स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता कोई चीज़ें में, लेकिन बार बार मैं इसी को ही पढ़ता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो हर एक स्टूडेंट्स के पास ही होनी चाहिए ल्यूशेंट की बुक, और अच्छी बुक है मतलब। फिर उसके बाद एक ये बुक है, ये भी ल्यूशेंट की बुक है लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादातर मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसके अंदर जितने भी हैं, ये एक बार मैंने पूरी पढ़ ली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है, पूरी एक बार मैं ये पूरी ख़त्म कर चुका हूँ और अब मैं इसे वापस नहीं पढ़ने वाला। ये भी अच्छी बुक है। तो ये है एक बुक, और एक बुक है ये एसएससी के, ये प्रीवियस ईयर की बुक है,
इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके अंदर। ये पूरी ये मैंने पढ़ी है, अभी आधी पढ़ी है मैंने ऑलमोस्ट, कहीं कहीं से मैं पढ़ लेता हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर मैं इसको यूज़ नहीं करता अभी। अभी तो मैं सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश को फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। और एक आपको करंट अफेयर्स के लिए चाहिए बहुत अच्छी बुक, स्पीडी मोस्ट आई मीन बेस्ट। ये छोटी सी बुक है लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस करंट अफेयर, और ज़्यादातर एसएससी के अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा आता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। कहीं भी किसी भी दुकान पे मिल जाएगी ये बुक, एंड बहुत ही अच्छी बुक है। तो यही बुक थी मेरे पास जो जिनको मैं यूज़ करता हूँ अभी। और ओके बाय, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.